अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा टॉपिक आज जो है वो नाइन्थ क्लास का रेडिएशन वाला टॉपिक ही है, लेकिन उसका आगे जो है ना वो चल रहा है टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। नाइन्थ क्लास यूनिट जो है वो हमारा नाइन वाला है, इसमें हम पढ़ रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने पिछले टॉपिक में रेडिएशन को पढ़ा था, रेडिएशन जो है वो वेव्स जो है वेव फॉर्म में जो है हीट हमारे पास ट्रांसफ़र होती है और रेडिएशन ऑल द टाइम होती है हर बॉडी में। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? असल में जो सूरज से जो थर्मल रेडिएशंस आ रही है ना, उनमें दो तरह की यानी वेव फॉर्म ऐसी होती है, फॉर्म में वेव्स जो है हमारे पास हीट ट्रांसफर होती है, ठीक हो गया। इनमें लॉन्ग वेवलेंथ, और शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन होती है। जब लॉन्ग वेवलेंथ की बात की जाए तो इंफ्रारेड रेडिएशंस होती है, जब शॉर्ट वेवलेंथ की बात हो तो उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो अब हम एक मतलब कि ग्रीन हाउस बनाते हैं जो कि ग्लास या पॉलीथीन का जो है ये जो एक हद सा बनाते हैं, ठीक है, ग्लास या पॉलीथीन शीट, ठीक है। अच्छा, होता ये है कि सूरज से दो तरह की रेडिएशन निकलती हैं, एक लॉन्ग वेव लेंथ की जिसे हम इंफ्रारेड रेडिएशन कहते हैं जो कि खतरनाक है, और एक शॉर्ट वेव लेंथ की जो है वो वेव लेंथ निकलती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। ये सूरज से ज़मीन पर पहुंचती है। हम अगर इस तरह का हाउस बनाएं जिसकी जो छतें हैं, जो इधर दीवारें हैं, वो ग्लास या पॉलीथीन की बनी हो, रेडिएशन इसके अंदर फॉल करेंगी, इसके ऊपर फॉल करेंगी, लेकिन ये जो लॉन्ग वेव लेंथ की रेडिएशन है ये इसके अंदर पास नहीं होगी, बल्कि कौन सी होगी, शॉर्ट वेवलेंथ को ये ग्लास और पॉलीथीन इसके अंदर ये पास होने देगा, अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्ट आगे रखा हुआ है या प्लांट वगैरह आपने रखे हुए हैं तो उन्हें हीट प्रॉपर उसके जरिए मिलेगी। लेकिन जब उन्हें हीट मिल जाएगी, हीट मिलने के बाद होगा क्या कि वो रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे। जब वो रेस को रिफ्लेक्ट करेंगे ना तो वो होंगी कौन सी वेव, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव रेडिएशंस को ये एमिट करेंगे। और चूंकि पॉलीथीन और ये ग्लास है, तो जैसे वो एमिट करेगा वो ऑब्जेक्ट, प्लांट या जो आपने पौधे वगैरह अंदर लगाए हैं, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को जब एमिट करेंगे तो अंदर ग्लास और पॉलीथीन की छत होगी, सीलिंग होगी, वो उससे टकरा कर फिर वापस आ जाएंगे, जिससे अंदर का टेम्परेचर मजीद बढ़ जाएगा। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस बेसिकली हीट को ट्रैप करता है, हीट को मेंटेन करके रखता है अंदर, और बेहतरीन जो है वो जो अफजाइश होती है पौधों की, जो आप किसी भी फल कर सकते हैं, आजकल तो बेमौसमी फलों की भी आप अफजाइश कर रहे हैं इन ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। तो बेसिकली ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये हमें बेसिकली बता रहा है पेज जो है ना इसका, अगर आप पेज पे देखें तो समरी के अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद है, वहाँ से भी अगर आप ग्रीन हाउस की डेफिनेशन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो इधर वैसे मैंने भूली सोची
तो हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस जो है ये इफेक्ट करता है, प्रोमिसेस बेटर ग्रोथ ऑफ सम प्लांट्स, उनकी अफजाइश को अच्छा करता है। अच्छा, ये तो हो गया एक प्रोसेस। हमारी ज़मीन में भी ये उल्टा इसका एक काम हो रहा है। फर्स्ट करें, ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक, ये सूरज है, ये सन है, ये रेडिएशन को, रेडिएशन जो है वो इस आ रही है हीट फॉर्म में, हीट जो है ना वो रेडिएशन फॉर्म में हमारी ज़मीन तक पहुंच रही है। तो हमारी ज़मीन के कितने कैसे गुलाब टाइप है या ओजोन लेयर से कह रहे हैं, तो वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास नहीं होने देता, बल्कि इंफ्रारेड रेडिएशन को पास नहीं होने देती। ये वाली लेयर जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को पास होने देती है। होता ये है कि हमारे यह अर्थ के जो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर मौजूद है, वो इन हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब कर कर किधर भेजते हैं, इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर कर ज़मीन तक भेजते हैं और ज़मीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। अब जब ज़मीन उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर कर रिफ्लेक्ट जब करेंगी, वो भी कौन सी करेंगी रिफ्लेक्ट कर कर, इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन को ये एमिट करेंगी। लेकिन ये जो हमारा ग्राफ है यानी जिसे हम ओजोन लेयर भी कह सकते हैं, ये उसे वापस रिफ्लेक्ट करेगा, जिससे डे बाय डे जो टेम्परेचर है अर्थ का वो इंक्रीज होता जा रहा है। और इस टर्मिनोलॉजी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो कि खतरनाक है। डे बाय डे हमारा जो टेम्परेचर अर्थ का वो इंक्रीज होता जा रहा है। हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं, एक तो पौधे वगैरह लगाएं और नंबर टू कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कम करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम जितना फ्यूल कंजम्पशन जिसकी हम ज़्यादा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल गाड़ियाँ उनके अंदर पेट्रोल है, वो पेट्रोल जो है इस्तेमाल होता है, तो फिजा में जो धुआं उसका निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड है जिसकी मकदार बढ़ रही है, और जो कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट के तौर पर काम कर रहा है। हमारी ज़मीन जो है, जो हमारी अर्थ है, उसका टेम्परेचर डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम ये व्हीकल का इस्तेमाल कम करें, पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर दें, कार्बन जो प्रोड्यूस करता है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये जो है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये काफ़ी हद तक कंट्रोल हो सकेगी। इसी तरह हम ऐसी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लें जो पेट्रोल से ना चलें, बल्कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक से चलना शुरू कर दें। आजकल इस पर रिसर्च भी हो रही है, बल्कि लॉन्च भी हो रही हैं, बैटरियों से जो गाड़ियाँ चल रही हैं, इससे भी हमारे माहौल के ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। अगर हम इसके एप्लीकेशन और कंसिक्वेंस पे जाएं, एप्लीकेशन एप्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्रीन ऑफ रेडिएशन। देखें, सूरज से जो है ना हीट हमारे पास पहुंच रही है, अब मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कोई हीट को एमिट कर रहा है अपने सराउंडिंग के लिहाज से। तो हमने देखा है कि ये जो हीट को एब्जॉर्ब या एमिट कर रहा है, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, कलर पे, कलर एंड टेक्सचर, कलर एंड नेचर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर ये डिपेंड करता है। देखें, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में रेडिएशन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ब्लैक जो है ना, ब्लैक एंड रफ सरफेस जो है, वो हीट को क्या ज़्यादा करते हैं, अब्जॉर्ब, और ज़्यादा क्या करते हैं,
इमिट करते हैं। फॉर एग्जांपल डे के अंदर हॉट डे में अगर हम एक काले रंग का सूट पहने ब्लैक क्लॉथ पहने हुए हैं तो उसमें क्या होगा वो हीट को क्या करेगा ज़्यादा अब्सॉर्ब करेगा। जैसे रात हो जाएगी ठंडा मौसम होगा तो वो जितनी हीट उसने अब्सॉर्ब की होगी सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो हीट को उतना ही ज़्यादा इमिट करेगा। इससे हमें एक चीज़ का पता चला कि जो ब्लैक सरफेस है या ब्लैक कपड़े हैं या ब्लैक कलर की कोई चीज़ है वो हीट को सबसे अच्छा अब्सॉर्ब भी करेगी ज़्यादा से ज़्यादा और रिफ्लेक्ट सॉरी एमिट भी कर रेडिएट भी क्या करेगी उससे ज़्यादा से ज़्यादा करेगी। तो यानी कि बेस्ट अब्जॉर्बर भी हुआ और बेस्ट एमिटर भी हुआ। तो हम सर्दियों के अंदर हम काले कपड़ों का इस्तेमाल इसी वजह से करते हैं कि सूरज अगर निकलता है तो हमें वो हीट जो है वो मिलती है, अगर ब्लैक कलर पहने तो हमें वो हीट को ज़्यादा अब्सॉर्ब करेगा और हमें उसका फ़ायदा होगा। इसी वजह से ये जो कुकिंग पैन्स हैं या जो है कुकिंग पॉट्स हैं इनके नीचे वाला हिस्सा या तवा जो आपके घरों में इस्तेमाल होता है वो ब्लैक कलर का नीचे वाला हिस्सा होता है ताकि वो हीट को ज़्यादा अब्सॉर्ब करे, हीट ज़ाया भी ना हो, अब्सॉर्ब ज़्यादा करे और रिक्वायर्ड जो हीट है जो हमें किसी चीज़ को बताना है वो उस तक सही और प्रॉपर और जल्द से जल्द पहुँचे। बनिस्बत दूसरे कलर अगर हम कलर को और यूज़ करते हैं या शाइनिंग सरफेस नीचे इस्तेमाल कर देते हैं तो फिर वो हीट को तो वो रिफ्लेक्ट करेगा अब्सॉर्ब करने के बजाय तो बहुत कम अब्सॉर्ब होगा, रिफ्लेक्ट ज़्यादा होगा। इस वजह से कुकिंग पैन्स और वो जो आपका तवा है जिसके ऊपर आप खाना वगैरह बनाते हैं वो नीचे से उसके बॉटम से उसे ब्लैक किया होता है। इसी तरह ये जो रेडिएशंस हैं ये डिपेंड करती हैं, ये रेडिएशन जो है ओबे करती हैं लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम रिफ्लेक्शन में देखें तो वाइट कलर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है, ये हीट को अब्सॉर्ब भी नहीं करता, हीट को एमिट भी नहीं करता, बहुत कम करता है तो बहुत कम अब्सॉर्ब करेगा लेकिन रिफ्लेक्ट क्या करेगा सबसे ज़्यादा। बाहर जगहों के ऊपर हमें हीट की ज़रूरत होती है और बाज़ जगहों पर हमें हीट की ज़रूरत नहीं होती बल्कि हमने हीट को रिफ्लेक्ट कराना होता है। तो आपने देखा होगा कि जितने जो है आपके घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें या कुकिंग पैन या जो है जितनी चीज़ें इनका जो ऊपर वाला हिस्सा है जहाँ से आप खाना पकाते हैं एक तो नीचे वाला तो ब्लैक मैंने पढ़ाया ना अभी अभी आपको बताया, ऊपर वाला हिस्सा सरफेस जो है वो क्या होती है रिफ्लेक्टेड सतह होती है, पॉलिश सरफेस होती है, पॉलिश सरफेस जो होती है वो हीट को क्या करती है रिफ्लेक्ट करती है वो बनी होती है। हम वाइट कपड़ों का इस्तेमाल गर्मियों में क्यों करते हैं इसी वजह से करते हैं कि हीट जो है हमारी हमारे कपड़ों से वो वाइट कलर का अगर हमने कपड़ा पहना हुआ है तो उससे रिफ्लेक्ट करेगी बनिस्बत अब्सॉर्ब करने के, या हम हीट जो है वो इमिट नहीं करेगी बल्कि ये रिफ्लेक्टर ज़्यादा अच्छा है। तो बाज़ जगहों के ऊपर हमें तो चाहिए बहुत अच्छी हीट यानी कि अब्सॉर्प्शन चाहिए और बाज़ जगहों पर हमें हीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरह अगर वी वेयर वाइट और लाइट कलर क्लॉथ इन समर विच रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट रेडिएशन रीचिंग अस ड्यूरिंग द हॉट डे, तो हम इसी तरह जो इंटीरियर पार्ट हैं कुकिंग पैन्स वगैरह के वो हम पॉलिश करते हैं, पॉलिश करने से ये होता है वो हीट को क्या करते हैं रिफ्लेक्ट इंटीरियर अंदर वाला हिस्सा नीचे वाला ना नीचे वाला ब्लैक होता है। तो इस चीज़ का हमें पता चल गया कि ये जो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन जहाँ पर हमने हीट को रिफ्लेक्ट कराना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि अगर आप अरब कंट्री में जाएंगे तो अरब कंट्री में सफेद लिबास क्यों पहना जाता है ताकि वो जो हीट क्योंकि उधर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है यानी कि 40, 45 and 50 टेम्परेचर उतराव होता है तो वहाँ हीट जो है अगर कोई और कपड़े कलर कपड़े या शाइनिंग सॉरी कलर कपड़े पहनेंगे तो आपको हीट महसूस ज़्यादा होगी। अगर आप वाइट पहनते हो तो पहनते वाइट बास है तो वो हीट को ज़्यादा क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं ना अब्सॉर्ब करते ना मिट करती है ये वाइट क्लॉथ। तो लिहाजा यहाँ पर हमें वाइट की ज़रूरत है, बाज़ जगहों पे हमें ब्लैक कलर की ज़रूरत है
तो ये अब्सॉर्प्शन और एमिशन डिपेंड कर रहा होता है हमारे कलर के ऊपर। ये था स्टूडेंट आज का आपका लेक्चर, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने पढ़ा, फिर ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस किया, फिर उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी।